फ्रंट मिरर पे सडनली अचानक से दिखा मेरा भी आंख लाल लाल है। पहले तो पिंक कलर का हुआ, फिर रेड हुआ, और शाम होते होते उनका आंख जो है वो एकदम ही रेड हो चुका था और आंख से आंसू पानी बहुत गिर रहा था। भाई हाथ धो लो, सैनिटाइज कर लो, हैंड वॉश करते रहो। और हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे समारा ब्लॉग्स। आज एक नया सुबह है, संडे का मॉर्निंग है, सुबह सुबह नहा धोकर रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। हाँ, एक काम है, संडे को सबका छुट्टी रहता है बट मेरा नहीं रहता है, मुझे काम पे जाना पड़ता है, तो अभी निकलने वाले हैं काम पे। आज का ब्लॉग यहीं पे शुरू करते हैं। चलिए तो अभी निकलते हैं। अब पहले स्टार्ट करते हैं वेदर फोरकास्ट। तो वेदर पूरा क्लियर है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, पूरा सनलाइट आ रहा है चेहरे पे, तो वेदर क्लियर है, स्काई है पूरा ब्लू। स्टार्ट करने के पहले एक और बात बोलना चाहिए था, वो ये है कि जो पुराना वीडियो है मेरा, लास्ट वीडियो है जो मैं न्यू मार्केट गया था, न्यू मार्केट में शॉपिंग किया, तो न्यू मार्केट वाला जो ब्लॉग है वो ब्लॉग आप लोग जाकर देखिए, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है उस वीडियो में, पूरे वीडियो में अच्छा लाइक आया, व्यूज़ भी बहुत अच्छा है, एक्सपेक्टेशन नहीं था बट चलिए बहुत अच्छा है, थैंक यू उसके लिए। आज का जो ब्लॉग है वो ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, मज़ा आ रहा है करने में। अभी जा रहे हैं, एक जगह पे काम ख़त्म हुआ है, दूसरी जगह पे पहुंचने वाले हैं, काम ख़त्म करना है वहाँ भी। शाम में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, वो भी एक मज़ा आने वाला है, समारा का बहुत ही फेवरेट लोग आने वाले हैं, समारा बहुत खुश हो जाएगी उन वो लोग आएंगे तो। समारा के लिए एक्चुअली ये सरप्राइज़ है, तो हम लोगों ने अभी बताया नहीं है समारा को भी कौन कौन आ रहे हैं। संडे का दोपहर है अभी और पूरा ही रोड क्लियर है, ये एक बहुत अच्छा खास बात है। बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद भी घूमा हूँ बट यहाँ पे रोड का, जो कोलकाता में जो रोड का ट्रैफिक है वो बहुत ही स्मूथ है। संडे दोपहर को निकल जाओगे आप तो लगेगा ऐसे लॉकडाउन है, मतलब रोड पूरा ही क्लियर है, दो चार पाँच गाड़ी चल रहा है, ऑटो चल रहा है, बस चल रहा है एक दो बस, तो ये बहुत मज़ा आता है। कार लेकर निकलो और बहुत ही स्मूथली ड्राइव करो, इंजॉयमेंट होता है। और अगर आपका फेवरेट सॉन्ग्स अगर चलता रहा तो उसमें मतलब चेरी ऑन द टॉप। अभी एक कल का ही एक घटना है, कल मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पे एक स्टाफ है, उनको उनका आँख बहुत लाल हो जा रहा था सडनली, मतलब दोपहर से शाम तक में बहुत अच्छा खासा, पहले तो पिंक कलर का हुआ, फिर रेड हुआ, और शाम होते होते उनका आँख जो है वो एकदम ही रेड हो चुका था और आँख से आंसू पानी बहुत गिर रहा था। तो ऐसे बंगाल में इसको जॉय बांग्ला बोलते हैं बट ये एक तरह का वायरस है एक्चुअली, अभी शायद ऑल ओवर इंडिया में ये फैल रहा है, बंगाल में तो है ही, मतलब ये छुआछुई वाला कोरोना वायरस वाला ही हाल है शायद। कुछ डिजीजेज होता है जो छूने से होता है, फैलता है, देखने से किसी को अगर रोग फैल जाएगा तब तो हो ही गया, कोई किसी को देखेगा ही नहीं, रास्ते पे निकलेगा ही नहीं, घर पे ही नहीं रह सकता है, तो वैसे नहीं होता है। बड़े बड़े महान विद्वान पंडित लोग हैं जो लोग ये अफवाह फैला के रखे हैं कि देखने से ये फैल जा रहा है, तो ये रेड आई जो वायरस है ये वाला देखने से नहीं फैलता है एक्चुअली, होता क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे आँख में हुआ है तो मैं आँख, मतलब उसको क्या होता है ना, जब किसी को भी होता है तो आँख मलते हैं लोग, खुजलाता है या दर्द होता है या जैसे भी पानी निकलता है, तो आप उसको टच किए, अब वो हाथ से सेम चीज़ से कुछ और ऑब्जेक्ट आप टच कर लिए, जैसे कार चला रहा हूँ तो स्टेयरिंग टच हो गया, अब कोई और ड्राइवर आया बैठा सेम स्टेयरिंग टच किया तो उसके हाथ में लग गया वो वायरस, वो इतना ही मतलब छोटा होता है, माइक्रो पार्टिकल होता है कि वो लग ही जाएगा, फिर आप वो हाथ सेम हाथ अगर आप अपने आँख में लगाओगे तो बस आपको भी फैल गया वो, तो उस तरह से होता है। पता नहीं विद्वान लोग क्या अफवाह फैला के रखते हैं कि भाई देखने से हो जाता है, देखने से होता तो हो ही गया था, फिर तो सबका हो जाता। तो जो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी, आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ इस तरह का अफवाह मत फैलाइए कि देखने से ये सारा फ्लू हो रहा है, ये एक्चुअली थ्रू टच हो रहा है, किसी के हाथ से, किसी के फिंगर से, तो इस तरह से टच से हो रहा है,
ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन यही है कि भाई हाथ धो लो, सैनिटाइज कर लो, हैंड वॉश करते रहो, और आंख जितना कम से कम हो अपने फेस पे, चेहरे पे, ये जो हाथ है ये फिंगर टच ना हो जाए, ये टच नहीं होना चाहिए, बस यही मेन है। और अभी आप कोई भी मेडिसिन शॉप में जाओगे, बोलोगे ऐसा हुआ, तो वो सिंपल 100 रुपीज़ के अंदर में मेडिसिन आई ड्रॉप है, वो आप लगाओ 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा खुद। कुछ खास बहुत बड़ा कुछ डिजीज नहीं है, बट प्रॉब्लम तो हो रहा है लोगों को, बट मेन प्रॉब्लम लोगों के आँख से नहीं है, लोगों के अफवाह फैलाने से है, वो नहीं होना चाहिए, वो होने से प्रॉब्लम है, वो होने से बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, जो नहीं होना रहता है वो हो सकता है, तो वो ना करे। अभी सडनली पता नहीं क्यों लस्सी पीने का मन हो रहा है, दोपहर का टाइम है, सारा शॉप्स बंद है, कोई भी लस्सी शॉप तो दिख नहीं रहा है। अभी देखते हैं, पास में एक शॉप है वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे अगर मिल गया, शर्मा का लस्सी है, शर्मा और तिवारी बंगाल में बहुत फेमस है, तो शर्मा का लस्सी ट्राई करेंगे, वहाँ पे अगर मिल गया तो बहुत बढ़िया है, एक बार चेक करते हैं वहाँ पे जाकर। प्राइस भी बहुत हाई है, लस्सी जो है यहाँ पे बाहर में मिलता है, ट्रेडिशनल वे में देते हैं, प्लास्टिक का लस्सी भी मिलता है, प्लास्टिक का जो ग्लास होता है उसमें, बट मेनली बाहर पे मिलता है, तो वो एक मज़ेदार है, उसका एक अलग टेस्ट आता है। लोग अभी भी कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, देखिए ये रहे भरे हुए हैं, पूरा लोग पूरा भरे भरे जा रहे हैं, ये रहा आगे भी कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं। ये एक अच्छा है, सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा पे निकले हैं, बम भोले करके मस्ती, इन लोगों का भी अलग मस्ती है, वही है, डेस्टिनेशन से इम्पोर्टेंट है जर्नी, जर्नी को इंजॉय करना चाहिए। ये कुछ लोग सामने जा रहे हैं, बढ़िया है, ये रहे सारे श्रद्धालु अभी सावन महीना में जा रहे हैं जल डालने भोले भगवान को। कुछ फ्रेंड्स मेरे भी हैं जो अभी गए थे, अभी रिसेंटली आए। ये एक पैशन है भगवान के प्रति, मतलब भक्त लोग जाते हैं खाली पैर जाते हैं, मतलब कुछ ऐसा सिंपल सा टास्क नहीं है, ये बहुत बड़ा टास्क है, खाली पैर जाना उतना दूर, जल चढ़ाना। बहुत लोग जो है नॉनवेज नहीं खाते हैं पूरा महीना, और ये सावन का महीना तो शायद 2 महीने का चलने वाला है, तो बहुत बड़ा टास्क है, नॉट एन ईजी जॉब। अभी लस्सी शॉप पे तो आ गए हैं, ये रहा लस्सी शॉप, आप लोगों को दिख रहा होगा, चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं लस्सी मिलता है कि नहीं, लस्सी लेकर फिर वापस आते हैं। मिल गया लस्सी, ये रहा लस्सी, थोड़ा सा गिर भी गया। तो लस्सी थोड़ा सा गिर गया, थोड़ा क्या कर सकते हैं, अभी बैठने गए तो थोड़ा गिर गया सीट पे, पर लस्सी बहुत अच्छा है, मीठा थोड़ा ज्यादा लग रहा है। लेने तो गए थे मैंगो लस्सी, मिल भी गए मैंगो लस्सी, पर सोचा कि अगर मलाई लस्सी मिलेगा तो मलाई लस्सी ले लेंगे, बट मिला मैंगो लस्सी, ये रहा। फ्लेवर बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब ऑथेंटिक फ्लेवर है, आपके सामने बनाता है तो ज़्यादा फ्रेश लगता है, और टेस्ट भी बहुत ही बेटर है, चीनी थोड़ा ज़्यादा लग गया है, ये एक प्रॉब्लम है। तो बता रहा था, एक ये शर्मा पीछे ही है, शर्मा और तिवारी, ये दोनों का मिठाई और लस्सी वगैरह बंगाल में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मारवाड़ी शॉप है, तो जो भी राजस्थानी फ्लेवर है ना वो आ जाता है इसमें। तो पहले पीते हैं उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि ये होल्ड नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा आप रुक जाइए, मैं ये पी लेता हूँ। अब फिर हो गया अभी मुंह में, तो अभी लस्सी तो फिनिश हो गया है, अब चलते हैं दूसरे काम पे, वहाँ पे चलते हैं क्योंकि लेट हो चुका है,
बीच में लग रहा था प्यास, तो सोचा लस्सी पी लेते हैं, तो शर्मा का शॉप मिला तो वहाँ पे मैंगो लस्सी मिली है। तो एकदम मतलब वन बाई वन होता जा चला जा रहा है और बेस्ट है, संडे आफ्टरनून है, बहुत ही मस्त कट रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। आज लोग पूरा रिलैक्स फील करते हैं, ये बहुत अच्छा है संडे के। संडे जो है वो लोग पूरा ही, लोगों के चेहरे पे बहुत ही रिलैक्सेशन लगता है, निकलते हैं, वॉक करते हैं, शॉपिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। ये भैया ये जा रहे हैं ना, यही लस्सी बना के दिए है। ये हेडफोन लगा के दिख ही नहीं रहा है, ये छोटा भाई है, यही बना के दिया है, भैया भाई जो भी बोल रहे, राजस्थान से है बंदा, तो यही बना कर दिया लस्सी, बहुत ही अच्छा लस्सी बनाता है। मुझे पहचानता है, जब भी आता है तो थोड़ा ज़्यादा ही फ्लेवर डाल लेते हैं, मैंगो या स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर है लस्सी में डालने का रहता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही टॉप में पूरा स्प्रेड कर देता है, क्योंकि रेगुलर कस्टमर है तो जाने नहीं देना चाहता है कहीं और। फ्रंट मिरर पे सडनली अचानक से दिखा, मेरा भी आँख लाल लाल है, हो क्या रहा है, मेरा भी नहीं ना हो गया, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये ज़्यादा पिंक पिंक टाइप का लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ सडनली, मुझे भी वो वायरस ने पकड़ तो नहीं लिया, क्या पता, मेरा भी हल्का लाल लाल लग रहा है। रेड आई फ्लू जो है अभी जो फैला हुआ है सारे जगह, जो अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रहा था आप लोगों से कि देखने से नहीं होता है, छूने से होता है, उसके थ्रू फैलता है, पता नहीं क्या हुआ है, देखते हैं, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा अगर जल्दी, क्योंकि हमारा घर पे है। मुझे भी फील हो रहा है हल्का, पता नहीं दिखा सडनली अभी ये बैक मिरर पे दिख गया कि मतलब लाल लाल हो रहा है, लेट्स सी, ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पूरा ही उसी तरह से प्रिकॉशन मेंटेन करके ही चलता हूँ, देखते हैं। थोड़ा टेंशन तो हो ही रहा था इसीलिए बाहर शूट कुछ किए नहीं, सीधा घर आ गए, क्योंकि कुछ गेस्ट आने वाले थे तो उसी का तैयारी में लग गए, कुछ सामान भी लाना था तो एक ही बार ले हुए के आ गए, शाम हो गया है, दिन ढलने वाला है, समारा अभी सो रही है, समारा उठी नहीं है, समारा सो गई थी, क्योंकि इस बीच में हम लोगों को टाइम मिल गया रेशमा को और मुझे थोड़ा काम आगे बढ़ाने का, तो शाम में गेस्ट आने वाले हैं तो उसके लिए पहले से तैयारी कर ली है। तो मेन प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है कि आँख लाल वाला फीलिंग आ रहा है, आँख लाल वाला फीलिंग आ रहा है, टेंशन भी हो रहा है कि क्या पता क्या ये वाला आँख में हल्का एक रेडिश प्रॉब्लम हो रहा है, पर दर्द वर्द नहीं है, कुछ इचिंग का प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है, तो टेंशन है अभी। टेंशन सबसे बड़ा ये है कि घर पे एक बेबी है और ये छूने वूने से ज़्यादा फैल रहा है, बच्चा लोग तो प्रिकॉशन मेंटेन करने वाला है नहीं, करना पड़ेगा हम लोगों को, तो यही सबसे बड़ा टेंशन सताया जा रहा है अभी। खैर कोई बात नहीं, जो होगा देखेंगे, अभी आँख लाल होना रहेगा तो होगा, वायरस आ गया होगा तो आएगा, अब क्या कर सकते हैं, मेडिसिन लेंगे, बट अभी सडनली कुछ छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं जो मुझे बुला रहे हैं नीचे खेलने के लिए क्रिकेट, बॉलिंग होगा यहाँ पे, बॉल करने वाला है ब्लू टी शर्ट वाला, बॉल करेगा, आई थिंक आउट होगा इस बॉल पे। बॉल खो गया लग रहा जंगल में, बॉल खोज रहे अभी अंदर, समारा को यहाँ बैठा दी, यहाँ पे भी बोलो 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 क्या हो गया, चलो चलो स्टार्ट स्टार्ट, सोलो सबे कौ बड़े, हाँ हाँ बेचे गए बेचे गए।